हूँ मार मंजीर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अपनी एक नई रूटीन के साथ आज सुबह मैं नमाज़ नहीं पढ़ सका क्योंकि रात को मैं लेट तक सोया रहा हूँ, सॉरी जागता रहा हूँ। तो अब उठा, सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ख़त कराने, मीन्स के हेयरड्रेसर के पास, और कटिंग वगैरह भी करानी है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने नहीं कराई। तो आज कटिंग कराते हैं, ख़त कराते हैं, आपको भी दिखाते हैं। भाई तो अरसलान पहले से मौजूद है लेकिन मेरे लिए नहीं है मौजूद, ये सफाई करा रहा था तो इसलिए पहले से मौजूद है। तो जब ये आता है तो फिर चलते हैं। जी तो अब मैं पहुंच चुका हूँ मानी के पास, इसके बाद जब मेरा नंबर आएगा तो फिर आपकी मानी से भी मुलाकात कराएंगे और मानी का सेटअप भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो जैसे मेरा नंबर आता है फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि मैं बैठ गया हूँ चेयर पे, मानी भाई साथ मौजूद है। मैं शुरू से बचपन से ही मेरा एक ही हेयरड्रेसर है और वो मानी है, तो आखिरकार आज आपकी मानी से भी मुलाकात करा दी है मैंने। अब मैं सेटिंग कराने लगा हूँ। जी तो मैंने ख़त कराया है, उसके बाद आपको वो सारे सीन भी दिखाए थे, उसके बाद मैं घर पहुँचा हूँ, फ्रेश हुआ, नमाज़ पढ़ी है। जी तो अब मैं जा रहा हूँ, एक दो बच्चे के केसेज हैं हमारे पास, नहायत ही गरीब बच्चे हैं और उनकी शादी है। जी तो जैसे आपको बताया एक विज़िट के लिए जाना है, अरसलान मेरे इंतज़ार में खड़ा था, गाड़ी लेके खड़ा है, तो आप विज़िट पर जाना है, दिखाते हैं आपको। शेख साहब माजरत। वालेकुम सलाम जी। जी तो हम जा रहे हैं आगे से, हमने गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं, वहां से फ्यूल डलवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, यहां से हम फ्यूल डलवा रहे हैं फिर आगे चलते हैं। जी तो जो आपको बताया था विज़िट का, वो हम पहुंच चुके हैं, ये कच्चे का इलाका है, यहाँ एक बच्चे की शादी है, नाबीना है बच्ची, तो उन्होंने बोला था तो उसका हम विज़िट करने हैं, विज़िट करते हैं जैसा कि हमारी पॉलिसी है टीम की, तो विज़िट करके फिर अगर वो होते हैं मुस्तैद तो उनकी जो भी हम इमदाद कर सकते हैं अपनी तरफ से करते हैं, तो हम विज़िट कर लें, आपको दिखाते हैं फिर। जी तो जैसे आपको बताया था हम पहुँच चुके हैं, ये दरिया खान से आगे मजोका है तकरीबन 8-10 किलोमीटर, तो मजोका से भी अंदर जाके है ये बस्ती टाइप है, इधर हमने विज़िट किया है, या आप देख सकते हैं एक ही कमरा है और इनकी एक बच्ची है जिसकी शादी है अगले माह या
जैसे हम कोई इनको डेट देंगे तो फिर ये वो डेट रखेंगे। हमने इनका विज़िट किया है, इंशाल्लाह अपनी इस्तात के मुताबिक जितना भी हमसे हो सका तो हम इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और आपको भी हम कहेंगे कि अगर आप भी चाहें तो आप भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका दिया हुआ हम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं। ये आप देख सकते हैं उनका घर पीछे, बहुत ही मुस्तहिक फैमिली है। इंशाल्लाह हम इनके जितने भी मदद कर सके इंशाल्लाह अपनी उस्ताद के मुताबिक टीम की तरफ से हम इंशाल्लाह इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। हमने इन्हें बोला है कि जो भी सामान आपको चाहिए आप हमें बता दें, इंशाल्लाह जब भी आपके इनकी शादी होगी, इनकी डेट फिक्स होगी, तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से इनकी भरपूर हेल्प करेंगे। ये तो मैं घर पहुंचने वाला हूं, कुछ दोस्त आए हुए थे मुझे मिलने, काफ़ी टाइम से उन्हें वेट कराया है, तो आप उनसे भी आपको भी मिलवाता हूं। तो जिन दोस्तों का आपको बताया है कि मेरे पास आ रहे हैं मलिक अमार हुसैन ख्वाबड़, उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, इनकी मिलाद वाले दिन इन्हीं भाई का मिलाद था, माशाल्लाह से आपको दिखाया भी था। अदनान अहमद मेरे प्यारे भाई मिज़ान बैंक में होते हैं, BSO, तो आज ये मुझे ज़ियारात की मुबारक देने आए हैं। आए तो काफ़ी दिनों बाद हैं, मैंने खैर इनसे वेट भी कराया है आज, तो उसके लिए भी माजरत। कोई गल नहीं, शुक्र है मिल गई, ये वाली गल है। तो आज की आपको सारी रूटीन भी बताइए। पहले तो मेरे दोस्त आपको मिलवाए, उनसे चले गए हैं वो, आज सारा दिन की आप रूटीन बताइए आपको। अब जो तो मैं आज थक चुका हूँ क्योंकि दो चार विज़िट थे आज, मैंने दोपहर को खाना भी नहीं खाया। आज के व्लॉग के इधर ही एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ, एक नई रूटीन के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।